वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी चैनल पर। और आज के इस क्लास में आपको मिलेंगे पूरे 50 ट्रू एंड फॉल्स, जो कि आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। तो जो बच्चे ट्रिपल सी अगस्त में पेपर देने वाले हैं, उन सभी के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे 50 ट्रू एंड फॉल्स मिलने वाले हैं, जिनको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स आपके सामने आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें आज का क्लास। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और यहाँ पे पूछा गया है, एक्सेल में कई गैर आसन रेंज को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये कम समय में मैंने सोचा आपको आंसर पहले टिक करके रखें, ताकि आपका समय कम लिया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा सकें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये क्वेश्चन आपका ट्रू होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेल का उपयोग पेरोल खातों, अंकगणितीय तथा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि इसका यूज होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट में किसी सेल के एड्रेस को कॉलम लेटर तथा रो नंबर के संयोजन से निर्दिष्ट करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2003 की वर्कबुक को एक्सेल 2007 के साथ भी ओपन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसका भी आंसर ऑप्शन ए होगा। ईमेल संदेश भेजने व प्राप्त करने के लिए आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का प्रयोग बिजनेस प्रमोशन के लिए भी किया जाता है। तो जी बिल्कुल किया जाता है, इसका भी आंसर ऑप्शन ए होगा। पावर पॉइंट में यूजर स्लाइड पर प्रत्येक अवयवों पर एनिमेशन को व्यक्त कर सकते हैं, तो आप प्रत्येक स्लाइड पर एनिमेशन लगा सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड मास्टर में किए गए परिवर्तन केवल वर्तमान स्लाइड पर लागू होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि स्लाइड मास्टर में कोई भी चेंजिंग करते हैं आप, तो वो सभी स्लाइडों पर मान्य होती है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार में इटैलिक टूल को क्लिक करते हैं। तो जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अगर आपको टेक्स्ट को तिरछा करना चाहते हैं तो इटैलिक टूल बार में आप इटैलिक टूल पर क्लिक करेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार में, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2010 में फाइल टैब मुख्य टैब नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 2010 में फाइल टैब ही मुख्य टैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल के साथ वन दबाने से सिलेक्टेड पैराग्राफ में एकल लाइन स्पेसिंग हो जाती है। तो बिल्कुल, अगर आपने किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और कंट्रोल वन दबाया, तो उसमें लाइन टू लाइन के बीच में एकल सिंगल लाइन स्पेस मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN का अर्थ है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ वह वायरलेस कनेक्शन है जिसे कम दूरी यानी कि 30 फीट की दूरी की कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए प्रोडक्ट की या सीरियल नंबर की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल होती है, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल होती है, आप ऑप्शन ए करेक्ट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रिंट की शॉर्टकट की है। तो बिल्कुल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और F12 प्रेस करेंगे तो भी प्रिंट कर सकते हैं, और कंट्रोल पी से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन ये करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। किसी भी वेब पेज को सेव एडिट मेनू से करते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वी, यानी कि क्वेश्चन हो जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेब पेज को कंट्रोल आल्ट और आई से प्रिंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वेब पेजों को डिजाइन तथा डेवलप किया जाता है। जी तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ISP एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो बिल्कुल सही जवाब, ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि एक कंपनी होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोवाइडर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यहां पर हो जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अगर इसका क्वेश्चन आता है
इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन है, वेब एक्सप्लोरिंग कार्य को सर्फिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल, वेब एक्सप्लोरिंग कार्य को हम सर्फिंग के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन आपका ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए स्टैंडर्ड है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू, यानी कि एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो एमएस वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एमएस वर्ड। नेक्स्ट है, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफटीपी सर्वर फाइल स्टोर करता है, जिसे आप एफटीपी क्लाइंट को या एफटीपी क्लाइंट से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2003 में वर्कशीट विंडो का आखिरी कॉलम आईबी होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एसएमटीपी को ऑफलाइन मेल के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल संदेश भेजने व प्राप्त करने के लिए आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का प्रयोग बिजनेस प्रमोशन के लिए भी किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में यूजर स्लाइड पर प्रत्येक अवयवों पर एनिमेशन को व्यक्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप प्रत्येक एनिमेशन प्रत्येक स्लाइड पर लगा सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड मास्टर में किए गए परिवर्तन केवल वर्तमान स्लाइड पर लागू होते हैं। तो इसका जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि क्वेश्चन आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जब माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार डॉस को विकसित किया तो उसने कमांड यूजर इंटरफेस लाइन का प्रयोग किया था। तो इसका जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि क्वेश्चन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक ओएस विंडोज से ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वेब पेज को सेव एडिट मेनू से करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी, यानी कि ये क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी सी और डी लिख गया, कोई बात नहीं है। तो इसका जवाब ऑप्शन होगा बी, यानी कि ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। किसी वेब पेज को कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि क्वेश्चन आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वेब पेजों को डिजाइन तथा डेवलप किया जाता है। तो इसका जवाब होगा फॉल्स, ये क्वेश्चन आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर्स को माइक्रो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में अधिकतम 10 सीट्स हो सकती हैं। तो इसका जवाब ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यानी कि क्वेश्चन फॉल्स होगा। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो बिल्कुल है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यदि आप एंटर की प्रेस करते हो तो सेल आपकी टाइपिंग को इसके कंटेंट के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो बिल्कुल कर लेता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। P2P का अर्थ पीयर टू पीयर से है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा, P2P का मतलब पीयर टू पीयर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने हेतु 200 रुपये की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा फॉल्स, यानी कि ये क्वेश्चन हो जाएगा वी आपका सही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, जीरो बैलेंस से खाता आप ओपन कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग से बिलों का भुगतान संभव नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक लोन एक वर्ष से कम अवधि के लिए दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है, एक वर्ष से कम अवधि का जो लोन होता है उसे अल्पकालिक लोन कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट पेन एक फोटो सेंसिटिव डिवाइस है। तो इसका आंसर भी ट्रू होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, मेमोरी को KB, MB और GB से मापा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैन में डेटा संचरण सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो इसका भी जवाब होगा ट्रू, ओके। और आज के क्लास में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको इसी प्रकार से
वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आज शाम को आपका क्लास होगा 8:30 पर, जिसमें पूरा ट्रिपल सी का कंप्लीट पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और उस टेस्ट को जरूर आप लोग करेंगे, वो टेस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो भूलना नहीं है, 8:30 पर टेस्ट चलेगा, पूरे 100 क्वेश्चन का उसको पास करना होगा आप सभी को। और आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।